गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड बाय न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बच्चों, मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ ना। मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था? दो अक्षर के शब्द पढ़े थे ना आपने, कल, फल, जल, नल, थल, घर पढ़े थे। फिर क्या पढ़ाया मैंने आपको? तीन अक्षर के शब्द, कौन से? कलश, शहद, महल, नहर, भवन पढ़ाए थे आपने। पढ़े आपने, बुक से भी अभ्यास किए होंगे। दिए थे ना मैंने आपको, बुक्स में दिया था ना अभ्यास करने के लिए, कि आपको डेली बुक्स में अभ्यास करना है। आप डेली पढ़ोगे, उसका अभ्यास करोगे, तब आपको बुक्स पढ़ने आ जाएगी। पहले आपने दो के सीखे, तीन के सीखे, आज हम क्या सीखेंगे? चार अक्षर वाले वर्णों का मेल। अब क्या सीखेंगे हम? चार अक्षर के अक्षर वाले वर्णों का मेल। अब देखो क्या है ये, चार अक्षर वाले वर्णों का मेल क्या है ये? कौन सी पिक्चर है ये? अजगर। कौन सी है? अजगर। अजगर बना हुआ है ना ये। अब हम इसमें अजगर क्या बोला आपने, इसको क्या बोला? अजगर। कितने अक्षर हैं इसमें? अ, ज, ग, र, चार। क्या पढ़ा रहे हैं हम? चार अक्षर वाले वर्णों का मेल। तो कितने अक्षर हैं इसमें? चार। क्या है ये? अ, ज, ग, र। अब हमें इसे मिला के पढ़ना है। अ, ज, ग, र, अजगर। अ, ज, ग, र, अजगर। आपको एक भी इसमें से अक्षर छूटने नहीं है, आपको धीरे धीरे आराम से अ, ज, ग, र फिर मिला देना है अजगर। क्योंकि अभी हमने दो के सीखे, तीन के सीखे, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है? इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। अ, ज, ग, र, अजगर। क्या पढ़ेंगे? अजगर। ये क्या है? क्या है ये? कटहल। क्या है ये? कटहल। कितने इसमें अक्षर हैं? क, ट, ह, ल, कटहल। कितने हुए? चार। कितने हुए? चार। क, ट, ह, ल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हमें इसे कैसे पढ़ना है? क, ट, ह, ल, हमें मिला के पढ़ना अब इसको। क, ट, ह, ल, कटहल। क्या पढ़ेंगे? कटहल। क, ट, ह, ल, कटहल। ये क्या है? क्या ये? थर्मस। पानी की बोतल आप भरते हो ना पानी, वाला है क्या ये? क्या है? थर्मस। कितने अक्षर हैं इसमें? ठ, र, म, स, थर्मस। चार। कितने हुए? चार। ठ, र, म, स, थर्मस। यहाँ लिखा हुआ है थर्मस। थ, र, म, स, थर्मस। ये क्या है? गिलास है। इसमें क्या है? शरबत। क्या है इसमें? शरबत। कितने अक्षर इसमें? स, र, ब, त, शरबत। स, र, ब, त, शरबत। स, र, ब, त, शरबत। ये अजगर, कटहल, थर्मस, शरबत। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ, फिर मैं आपको बिना पिक्चर के पढ़ना सिखाऊंगी। अभी तो आप पिक्चर देख रहे हो, आपको मालूम है कि अजगर है, इसलिए आप झट से बोल देते हो अजगर। ये कटहल तो आप बोलते हो कटहल, फिर अब मैं बिना पिक्चर के सिखाऊंगी, इसलिए एक बार मेरे साथ और बोलने का अभ्यास कर लो। ये क्या है? ए, ज, ग, र, अजगर। ए, ज, ग, र, अजगर। क, ट, ह, ल, कटहल। क, ट, ह, ल, कटहल। ये थ, र, म, स, थर्मस। थ, र, म, स, थर्मस। स, र, ब, त, शरबत। स, र, ब, त, शरबत। बच्चों, अभी आपने पिक्चर देख के पढ़ना सीखा था, पिक्चर देखा, पहले आपने पिक्चर देखी थी फिर उसको पढ़ा था। अब आप बिना पिक्चर के पढ़ना सिखाऊंगी मैं, बिना पिक्चर के। पहले मैंने अजगर बनाया था, अदरक बनाया, ये सब बना के फिर मैंने आपको पढ़ना बताया था, आप पिक्चर देख के पढ़ रहे थे। अब आपको बुक्स पढ़नी है, इसलिए बिना पिक्चर के पढ़ना सीखेंगे। क्या है ये? क्या है ये? ए, और ये चे, के,
और ये न, ए च क न, अचकन, ए च क न, अचकन। ब ये रे ते न, बर्तन, है ले च ले, हलचल। ख ट म ल, खटमल। क स र त, कसरत। द म द म, दम दम। च म च म, चम चम। ट म ट म, टम टम। ठीक है, अब बोलो और यहाँ लिख लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, अ च क न, अचकन। अ च क न, अचकन। क्या हो गया ये, अचकन। अ च क न, अचकन। ब र त न, बर्तन। ब र त न, बर्तन। ह ल च ल, हलचल। ह ल च ल, हलचल। ख ट म ल, खटमल। ख ट म ल, खटमल। क स र त, कसरत। क स र त, कसरत। ठीक है, अचकन, बर्तन, हलचल, खटमल, कसरत। अब द म द म, दम दम। द म द म, दम दम। क्या ये, च म चम चम। च म च म, चम चम। ट म ट म, टम टम। ट म ट म, टम टम। ठीक है, एक बार और बोल लो। अब क्या ये, अ च क न, अचकन। क्या हुआ, अचकन। ब र त न, बर्तन। क्या हुआ इसे, क्या पढ़ेंगे इसको, बर्तन। है ल च ल, हलचल। ख ट म ल, खटमल। क स र त, कसरत। द म दम दम। क्या ये, दम दम। च म च म, चम चम। ट म ट म, टम टम। हो गया, आपने चार अक्षर के वैसे मिला मिला के पढ़े, यही आपके बुक्स में भी है, आपको बुक्स में से भी पढ़ना है, अभ्यास करना है। ये देखो आपकी बुक्स है, स्वरवाटिका है ना, ये आपका है, इसमें पिक्चर भी दिए हैं, नीचे लिखे भी हैं, पढ़ो और समझो, इसको मिला मिला के पढ़ना है। जैसे अभी मैंने पढ़ना सिखाया, वैसे बोल बोल के इसका उच्चारण करना है और पढ़ना, मिला मिला के पढ़ना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आपकी कौन सी बुक है, स्वरवाटिका, स्वरवाटिका है। और पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, जिस पे लिखा है चार अक्षर वाले वर्णों का मेल करें। आपके पास बुक्स है, सभी बच्चों के पास बुक्स है, आपके सबके पास बुक्स है, तो ये वाला पेज आपको पढ़ना है। और जिसके पास बुक्स नहीं है, पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऑफिस में आकर बुक्स परचेस कर लें, बच्चा बुक्स से अभ्यास करेगा तो पढ़ना सीखेगा। और पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को समय दें, थोड़ा सा उनको मिला मिला के पढ़ने का अभ्यास कराएं।